Assalamu alaikum, this is Muhammad Karar Hussain and you are watching Karar Hussain YouTube channel. इस वीडियो में आपके लिए इन्फोसिस की तरफ से फिर से पांच वॉक इन इंटरव्यूज लेकर आया हूँ। अगर अभी तक आपने वॉक इन नहीं किया, आप यहाँ पर वॉक इन कर सकते हैं। इन्फोसिस में होने जा रहे हैं वॉक इन 12th, 15th, 16th December को। मल्टीपल स्किल्स के लिए, मल्टीपल लोकेशंस के लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखें। स्क्रीन शेयर करके आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्फोसिस हायर कर रहा है L1 सपोर्ट वॉइस स्किल्स बैंगलोर लोकेशन। अप्लाई करने का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फोसिस में होने वाला है वॉक इन इंटरव्यू L1 सपोर्ट वॉइस स्किल्स बैंगलोर लोकेशन। आपका एक्सपीरियंस 2 साल से लेकर 3 साल के बीच होना चाहिए इनटू रेलेवेंट फील्ड, ठीक है। क्वालिफिकेशन कंप्यूटर ग्रेजुएट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। अप्लाई करने से पहले सारी डिटेल्स पढ़िए, ठीक है। वॉक इन करने से पहले यहाँ पर एक लिंक है, आपको ये लिंक कॉपी करना है। यहाँ पर जो लिंक है ये लिंक को कॉपी करना है, ब्राउजर में पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपके सामने इन्फोसिस का करियर पेज ओपन होगा। वहाँ पर आपको पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद कैंडिडेट आईडी जनरेट होगा। वो कैंडिडेट आईडी आपको ऑन टॉप ऑफ सीवी कैंडिडेट आईडी आपको मेंशन करना है। फिर आपको वॉक इन करना है गिवन एड्रेस पर। वॉक इन करने के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। कमिंग टू द सेकंड ओपनिंग, इन्फोसिस में होने जा रहा है वॉक इन बैंगलोर लोकेशन सैप। अब आप स्किल्स के लिए आपका एक्सपीरियंस 2 साल से लेकर 4 साल के बीच होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन BSc कंप्यूटर्स, BTech BE कंप्यूटर्स यहाँ पर वॉक इन कर सकते हैं। वॉक इन करने से पहले सारी डिटेल्स पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर भी लिंक है, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं लिंक को कॉपी करना है, ब्राउजर में पेस्ट करना है, कैंडिडेट आईडी जनरेट करना है, रेज्यूम के टॉप पे कैंडिडेट आईडी मेंशन करके आपको यहाँ पर वॉक इन करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा प्लीज़ कमेंट बिलो। कमिंग टू द थर्ड ओपनिंग, इन्फोसिस में होने जा रहा है वॉक इन पुणे लोकेशन। आपका एक्सपीरियंस 1 साल से लेकर 3 साल के बीच होना चाहिए इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट Q2O प्रोसेस पुणे लोकेशन के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल्स है। वॉक इन करने से पहले यहाँ पर एक लिंक है, ये लिंक को कॉपी करना है, ब्राउजर में पेस्ट करना है। इन्फोसिस का करियर पेज होगा, ओपन होगा। वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट आईडी जनरेट होगा। कैंडिडेट आईडी आपको ऑन टॉप ऑफ सीवी आपको मेंशन करना है, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट फोर्थ ओपनिंग, इन्फोसिस में होने जा रहा है वॉक इन पुणे लोकेशन MIM स्किल्स के लिए। आपका एक्सपीरियंस 2 साल से लेकर 4 साल के बीच होना चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पर एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल्स है। वॉक इन करने से पहले सारी डिटेल्स पढ़िए। कमिंग टू द लास्ट ओपनिंग, इन्फोसिस में होने जा रहा है वॉक इन हैदराबाद लोकेशन MIM स्किल्स, ठीक है। 12th December को आपका एक्सपीरियंस 2 साल से लेकर 4 साल के बीच होना चाहिए। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन करने से पहले सारी डिटेल्स पढ़िए। जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर एक लिंक है, पहले वो लिंक को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके आपको ब्राउजर में पेस्ट करना है। जब आप ब्राउजर में पेस्ट करोगे आपके सामने इन्फोसिस का करियर पेज ओपन होगा। इस तरह राइट नाउ लोडिंग हो रही, इस तरह करियर पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट आईडी जनरेट होगा। ऑन टॉप ऑफ सीवी राइट द कैंडिडेट आईडी, ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद आपको इस जॉब पोस्टिंग का प्रिंट आउट भी लेकर जाना पड़ेगा, वरना आपको अंदर अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। क्या कैरी करना है, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन है। ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कैरी करने हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बिलो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफिज़।